ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जल हमें शिव जी पर चढ़ाने से पहले हमें शिव जी के दाहिनी तरफ गणेश जी का स्थान है, हमें वहाँ जल चढ़ाना है पहले। बाई तरफ कार्तिकेय जी विराजमान है वहाँ, और बीच में अशोक सुंदरी शिव जी की पुत्री है वहाँ पे जल चढ़ाना। फिर कटी भाग जो शिवलिंग रखा है ये माता पार्वती के हस्त कमल है, हमें वहाँ पर जल चढ़ाते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना है। और ध्यान रहे दोस्तों, जल की धारा धीमे धीमे बहे, जल का जो चढ़ा रहे हैं तो उसका छिड़काव, जल का पानी जो है हमारी ओर ना छींटे पड़े। और उसके बाद नंदी को जल चढ़ाना है। इस प्रकार आप शिव जी को जल चढ़ाइए तो पूजा आपकी स्वीकार होगी। और बाद में जो जलाधारी जहाँ से जल बह रहा है तो लोटा अपना वहाँ रख देंगे आप, और जो थोड़ा बहुत जो दो चार बूंदे हैं आप अपने इस लोटे में जल को घर पे लेके आएंगे और समस्त अपने परिवार वालों पर छिड़काव करेंगे और दो दो बूंद पंचामृत की तरह पीने को देंगे। इस तरह हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और हमारे घर में लक्ष्मी का वास होगा। भोले बाबा बहुत भोले हैं और जल्दी सुनते हैं सबकी। आप भोले बाबा पर अपना विश्वास बनाए रखिए और उन पर अपनी विश्वास बनाए रखिए, और आप एक लोटा जल शिव जी पर डेली नियम से ज़रूर चढ़ाइए। और ये मेरे गुरु प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए नियम हैं।